हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लालू यादव के बड़े पुत्र तेज पर पत्नी ऐश्वर्या के आरोप। कोर्ट में घरेलू हिंसा के दावे में खोले कई अजीब राज। घाघरा चोली पहनकर बनते थे राधा और गांजा भोले का प्रसाद। तेज की हरकतों से परिवार का भी काफी उड़ता था मजाक। अपने रहन सहन, पहनावे और बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले और कभी कभी अपने परिवार की फजीहत का कारण बनने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के बारे में इस बार किसी और ने प्रतिक्रिया दी है और ये प्रतिक्रिया देने वाली है उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर कोर्ट में शिकायत की है। ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद उन्हें पता चला कि उनका पति गांजा पीने का आदी है और वो कई तरह के ड्रग्स लेते हैं। ऐश्वर्या ने बताया कि एक दिन गांजे के नशे में उनसे तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो भगवान शिव, भगवान और कृष्ण और कभी कभी राधा बन जाते हैं। कोर्ट में दिए गए आवेदन में ऐश्वर्या राय ने कहा कि उन्हें उस समय हैरानी हुई जब उन्हें पता लगा कि तेज प्रताप यादव देवी देवताओं के जैसे कपड़े पहनते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तेज प्रताप यादव ने एक दिन गांजे के नशे में राधा जैसे कपड़े यानी घाघरा और चोली पहन लिए थे, साथ ही उन्होंने मेकअप के साथ विग भी लगा लिया था। ऐश्वर्या ने कहा कि खुद उन्होंने तेज प्रताप यादव से कहा कि वो गांजा पीने और महिलाओं की तरह कपड़े पहनना बंद कर दें, तो इस पर तेज प्रताप यादव का जवाब था कि गांजा तो भोले बाबा का प्रसाद है, उसको कैसे मना करें। जब उनसे महिलाओं की तरह कपड़े पहनने को मना किया गया तो तेज ने कहा कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण। ऐश्वर्या राय ने कहा कि तेज प्रताप हमेशा उनकी पढ़ाई लिखाई पर तंज कसते हुए कहते थे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है, तुम्हारी नियति में खाना बनाना और परिवार बनाना है। ऐश्वर्या ने यह भी कहा कि तेज की हरकतों की वजह से परिवार का काफी मजाक भी उड़ता था। ऐश्वर्या की बातों पर इसलिए भी विश्वास होता है कि तेज प्रताप सार्वजनिक जीवन में कई बार कई तरह के वेश में नजर आए हैं। तेज प्रताप पार्टी के संस्थापक दिवस पर भी अजीबोगरीब वेश धारण करके आए थे और फिर सावन मास में वो भगवान शिव का रूप धारण करके पूजा करते नजर आए थे।